हे एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपिका और ये है मेरा करंट अफेयर्स चैनल। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम या अदर बैंक एग्ज़ाम्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस चैनल पर डेली 10 से 12 मिनट से का वीडियो बना के आपको पूरे दिन का रैपअप जीके करंट अफेयर्स का विथ एक्सप्लेनेशन विथ मैप, मैप में आपको इंडिया के मैप, वर्ल्ड मैप के हिसाब से पूरा करंट अफेयर्स आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। और पूरा दिन भर का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स में आपको कवर करके इस वीडियो में ला के देती हूँ, इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में ला के देती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप इंग्लिश मीडियम के हों चाहे आप हिंदी मीडियम के हों, आपको दोनों भाषाओं में इसमें ये वीडियो आपको मिलेगा, उसमें न्यूज़ मिलेगी आपको। और इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं 24 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में पहला न्यूज़ है इनकम टैक्स डे। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी विल ऑब्जर्व एंड सेलिब्रेट द 159th इनकम टैक्स डे ऑन 24 जुलाई। इट वाज ऑन 24 जुलाई 1860 दैट द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेस इनकर्ड बाय द ब्रिटिश रेजीम। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी 24 जुलाई 2019 को 159th आयकर दिवस का पालन और जश्न मनाएगा। ये 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था, तो उसके कारण ये मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये इनकम टैक्स की चालू किया था, क्योंकि 1857 में हमारा जो पहली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857, उसके बाद जो हमारे जो ब्रिटिश शासन था उसने बोला कि हमने जो आपको नुकसान पहुंचाया हम उसके लिए इनकम टैक्स की सुविधा शुरू करते हैं। तो ये घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान हुई थी। तो याद रखने की बात है, 24 जुलाई इनकम टैक्स डे। ओके, सीबीडीटी इसको सेलिब्रेट करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन की गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया। उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। जॉनसन औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे, वे थेरेसा मे के बाद आए हैं, उसके सक्सेसर है। वे अपने ब्रेग्जिट सौदे की पुष्टि करने के लिए संसद में अपनी विफलता के कारण उन्हें वो पद छोड़ना पड़ा। तो बोरिस जॉनसन इलेक्टेड एज यूके प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ ब्रिटेन्स गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी। ही इज डिक्लेयर्ड एज कंट्रीज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जॉनसन विल फॉर्मली टेक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर। ही सक्सीड्स थेरेसा मे। शी गॉट स्टेप डाउन ओवर हर फेलियर टू गेट पार्लियामेंट टू रेटिफाई हर ब्रेग्जिट डील। ब्रेग्जिट डील में उनकी जो असफलता थी थेरेसा मे की, उनके कारण उन्हें अपने पदभार अपना छोड़ना पड़ा और उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन। ये रही उनकी फोटो, कुछ कुछ डोनाल्ड ट्रंप के भाई जैसे लगते हैं मुझे तो। चलिए, तो इसी बात पे जान लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ है। ये हमारा वर्ल्ड मैप रहा और ये रहा हमारा यूके। यूके में एक दो आइलैंड है, एक लाल कलर का ये बड़ा सा दिख रहा होगा घोड़े के आकार का और एक छोटी सी बिंदु दिख रही है आपको यहाँ पे, तो इसको हम एनलार्ज करके देखेंगे। तो ये एक बड़ा एक द्वीप है और दूसरे द्वीप का ये ऊपर वाला पोर्शन, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। उसका जो ऊपरी नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं और वो यूके का पोर्शन है। आयरलैंड अलग देश है, अलग कंट्री है। और यूके में आते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, ये बीच में है नॉर्थ चैनल, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में नॉर्थ चैनल। ये आयरिश सी है, क्योंकि यहाँ आयरलैंड कंट्री का नाम है तो उस हिसाब से यहाँ आयरिश की सी है। और ये वाला जो सी है इस तरफ उसके राइट हैंड साइड पे, ये नॉर्थ सी कहलाता है। और आपने बहुत बार जीके में पढ़ा होगा इंग्लिश चैनल को पार किया, इंग्लिश चैनल को पार किया, तो ये यूके के ठीक नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये वाला है इंग्लिश चैनल, ये अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ सी, और ये जो बीच का है दोनों आइलैंड दोनों द्वीपों के बीच का पोर्शन है उसको आयरिश सी बोलते हैं। ठीक है, और उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो ये सेल्टिक सी है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यूके की जगह कहाँ है, उसके आजू बाजू कौन कौन से सी हैं
और यूके में कौन से चार चीज इंक्लूडेड है? नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। उसमें से नॉर्दर्न आइलैंड, उससे सीमा जुड़ी हुई नहीं है, अलग है नॉर्दर्न आइलैंड, बट हिस्सा यूके का ही है। और नॉर्दर्न आइलैंड की किस देश से सीमा जुड़ी हुई है? आयरलैंड से, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जुड़ी हुई है। अगली न्यूज, भारतमाला परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया की सबसे बड़ी मूलभूत संरचना की परियोजना है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है भारत का। 9613 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 225 सड़क परियोजनाओं को भारतमाला योजना के तहत मार्च 2019 तक स्वीकृत और अनुमोदित किया गया है। मार्च तो निकल चुका है, आगे भी ये काम बढ़ रहा है। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में माल और लोगों की आवाजाही की दक्षता का अनुकूल करना। फ्रेट बोलते हैं, जो फ्रेट मूवमेंट होता है, जो माल भर के जो ट्रक्स मूव होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उससे क्या है, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल होता है माल की आवाजाही का, प्लस लोगों की, बस ट्रांसपोर्ट, कार, बाइक, एवरीथिंग। तो इसको दक्षता से लाना। अगला है निर्माण और संरचना क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। तो देखिए, दो दो तीर हो रहे हैं, पहला तो रोड अच्छी हो रही है और दूसरा बहुत बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है। देश भर में बेहतर सड़क संपर्क के परिमाण स्वरूप बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में, ठीक है। नेशनल हाईवे लिंकेज के माध्यम से देश में 550 जिलों को जोड़ना, नेशनल हाईवे लिंकेज इसी की एक वो है, उसमें 550 जिलों को आपस में जोड़ा गया है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चौक बिंदु मतलब जहाँ एक सक्रिय रोड है वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है, उसको चौक बिंदु बोलते हैं। चौक बिंदुओं के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार का आह्वान करता है। ये परियोजना की तैयारी संपत्ति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक नियोजन के उपयोग पर जोर देता है, ठीक है। आईटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे निगरानी, सिक्योरिटी उसकी देखी जाएगी भारतमाला परियोजना के तहत। ये पड़ोसी देशों के साथ सहज संपर्क का आह्वान करता है, जो हमने जितना भी हमारा अर्थव्यवस्था का जो व्यापार है, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, है ना, भूटान हुआ, इन सब से हमारा जो संपर्क है वो बढ़ाता है। उन्नयन आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए गलियारों की सैटेलाइट मैपिंग भी ये यूज करेगा। तो ये टोटली नए जमाने की परियोजना है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है भारतमाला। अ टोटल ऑफ 225 रोड प्रोजेक्ट्स विद एन एग्रीगेट लेंथ ऑफ 9613 किलोमीटर्स हैव बीन अप्रेज्ड एंड अप्रूव्ड टिल मार्च 2019 अंडर भारतमाला परियोजना। इट्स एम इज ऑप्टिमाइजिंग एफिशियंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री, generating large number of direct and indirect employment opportunities in construction and infrastructure sector and also as part of the enhanced economic activity resulting from better road connectivity across the country, connecting 550 districts in the country through national highway linkages. It calls for improvement in efficiency in existing corridors through development of multimodal logistic parks and elimination of choke points. Its emphasis on the use of technology and scientific planning for project preparation and asset monitoring मतलब उसकी security safety. It calls for seamless connectivity with neighboring countries, satellite mapping of corridors to identify upgradation requirement, कहाँ पे क्या upgradation की ज़रूरत है ये satellite mapping के through देखा जाएगा। तो ये रहा भारतमाला परियोजना। आगे बढ़ते जतन special software for digitization of archaeological museum। question आता है जतन क्या है, तो जतन एक सॉफ्टवेयर है पुरातत्व संग्रहालय के डिजिटलीकरण के लिए, जतन विशेष सॉफ्टवेयर है। इस विशिष्ट उद्देश्य के साथ विकसित एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से पुरातत्विक संग्रहालय का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जतन के बारे में, अबाउट जतन क्या है, जतन का उपयोग विभिन्न संग्रहालयों और डिजिटल अभिलेखीय उपकरणों में डिजिटल संग्रह बनाने के लिए किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय पोर्टल और भारतीय संग्रहालयों के लिए डिजिटल रिपोजिटरी के प्रबंधन के लिए पृष्ठभूमि के में उपयोग किए जाते हैं। पोर्टल की वेबसाइट है museumsofindia.gov.in, इसके माध्यम से करता है, जिसमें संग्रहालयों की सभी डिजिटल डेटा को ऑनलाइन देखने के लिए अपलोड किया गया है। आपके इंडिया के जितने भी म्यूजियम हैं, जितने भी संग्रहालय हैं, उनकी फोटोज, वीडियोज, डेटा एक वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि हम ऑनलाइन ये सब देख सके। डिजिटाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इज बीइंग डन थ्रू अ स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विद दिस स्पेसिफिक पर्पस।
Now about Jatan, what is Jatan? Jatan is used for creating digital collection in various museum and digital archival tools that are used in background for managing national portal and digital repository for Indian museums. Digital repository मतलब एक digital bank. बैंक जो होता है उसी का मिलता जुलता शब्द है रिपोजिटरी. द पोर्टल वर्क्स थ्रू वेबसाइट म्यूजियम ऑफ इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन वेर इन ऑल डिजिटाइज डेटा ऑन म्यूजियम हैव बीन अपलोडेड फॉर ऑनलाइन व्यूइंग. ठीक है, कभी टाइम मिले तो ज़रूर इस वेबसाइट पे हाँ जाके देखिएगा आप. तो ये रहा जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर के बारे में. आगे बढ़ते हैं. नासा प्रिपेयर्स टू सेंड फर्स्ट वुमन एंड नेक्स्ट मैन ऑन मून 2024. नासा क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है. तो उसने क्या डिसाइड किया है? नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले व्यक्ति को भेजने की तैयारी कर ली है. नासा ने ऐतिहासिक पहली मून लैंडिंग की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है. 50 साल होने वाले हैं इसी पे ये अनाउंस किया गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी महत्वाकांक्षी आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ अपनी विशाल छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम आर्टेमिस अपोलो है. अपोलो की जुड़वा बहन इनका जो मिथिक कैरेक्टर है जैसे हमारे यहाँ राम लक्ष्मण रावण चलता है वैसे यहाँ का एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है अपोलो और उसकी जुड़वा बहन थी आर्टेमिस. तो उन्होंने अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस के नाम पर यह प्रोजेक्ट रखा है. नासा क्या है? नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA. ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ साथ वैमानिकी और एरोस्पेस अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है. नासा की स्थापना 1958 में हुई थी. मुख्यालय इसका वॉशिंगटन है संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके संस्थापक थे ड्वाइट डी आइजनहावर और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में यूएसए में. ठीक है, तो नासा मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द हिस्टोरिक मून फर्स्ट मून लैंडिंग. द यूएस स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू टेक इट्स नेक्स्ट जायंट लीप विद द एम्बिशियस आर्टेमिस प्रोग्राम. आर्टेमिस इज नेम्ड आफ्टर द ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो. वॉट इज नासा? नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नासा का फुल फॉर्म. इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च. नासा वॉज एस्टैब्लिश इन 1958. हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन यूएस. फाउंडर ड्वाइट डी आइजनहावर एंड फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1958 इन द यूएस. तो ये रहा नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम. ओके, जैसे अपोलो मिशन था उसी तरह से आर्टेमिस मिशन 2024 तक चंद्रमा पर महिला को भेजा जाएगा और साथ नेक्स्ट व्यक्ति भी भेजा जाएगा. आगे बढ़ते हैं. नाइजीरिया ने 2020 फीफा महिला अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी कर ली है. नाइजीरिया के बारे में, नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और वहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति है मुहम्मदू बुहारी. ओके, तो नाइजीरिया सेट टू होस्ट 2020 फीफा वेमेन अंडर 20 वर्ल्ड कप. नाइजीरिया के बारे में, कैपिटल इज अबूजा, करेंसी इज नाइजीरियन नायरा एंड प्रेसिडेंट इज मुहम्मदू बुहारी. अगली न्यूज, एशियाई पदक विजेता शिवा थापा कजाकिस्तान के अस्ताना में फाइनल में राष्ट्रपति कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने. एशियन मेडलिस्ट शिवा थापा बिकेम फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट द प्रेसिडेंट्स कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन द फाइनल्स इन अस्ताना कजाकिस्तान. सवाल आता है शिवा थापा किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बॉक्सिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, नाइजीरिया के बारे में सुना है तो चलिए नाइजीरिया देखते हैं, लोकेट करते हैं कहाँ है. ये रहा वर्ल्ड मैप. नाइजीरिया रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये है अफ्रीका. अफ्रीका के मिडल में यहाँ पे ये नाइजीरिया. यहाँ पे क्या होने वाला है? अंडर 20 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 में होने वाला है. महिला फुटबॉल विश्व कप हर दो साल में होता है, मतलब इवन नंबर 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 फिर 2020 और 2020 के बाद 2022 हर दो साल में होगा ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019 किस किस को मिला है? केशव दत्त और प्रसन्न बनर्जी चोजन फॉर मोहन बागान रत्न अवार्ड 2019. टू टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी प्लेयर केशव दत्त एंड फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन प्रसून बैनर्जी विल गेट दिस ईयर्स मोहन बगान रत्न अवार्ड ऑन द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ मोहन बगान डे ऑन जुलाई 29.
केशव दत्त और प्रसून बनर्जी ने मोहन बागान रत्न को मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। दो बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त, ये हॉकी के खिलाड़ी है थे, और भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान प्रसून बनर्जी को 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस के वार्षिक उत्सव पर इस साल का मोहन बागान रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों 24 जुलाई 2019 का करंट अफेयर्स था ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको मैप्स के साथ सारी न्यूज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, साथ में आपकी ज्योग्राफी भी थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर करवाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने किसी एक दोस्त से ज़रूर शेयर करिए, और नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। आपसे कल मुलाकात करती हूँ अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय।